नमस्कार, आपको एक सूचना दे दें, जो 24 तारीख की जो परीक्षा होने वाली है, लगता है परीक्षा टल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन किसके समझ में आया? टीचर के समझ में। अगर इसमें भीड़ बाहर होते हैं तो काफ़ी लड़के बाहर होंगे, हो सके परीक्षा आपको टल सकती है। हालांकि सरकार यू पिटीशन डालने की मन बना रही है, अटॉर्नी जनरल से सलाह लेने के बाद रिव्यू पिटीशन डाला जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। रिव्यू पिटीशन होता क्या है? रिव्यू पिटीशन को जो क्या डिसीजन दिया है वही देखेंगे रिव्यू पिटीशन, अलग नहीं सुनवाई होगा। जो रिव्यू मत क्या, अपने जजमेंट को सरसरी निगाह से तुम दोबारा देखना, यही रिव्यू पिटीशन है। हो सके सुप्रीम कोर्ट में भारत के अटॉर्नी जनरल से सलाह लेकर रिव्यू पिटीशन डाला जा सकता है। लेकिन जान लीजिए, 24 तारीख जो परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा पर गर्म लगता हुआ नजर आया मेरे नजर में। मेरे जैसा कि मेरा एक उम्मीद है, या हो सक उम्मीद है कि परीक्षा का डेट बढ़ेगा या परीक्षा कैंसिल होगा। इसलिए कैंसिल होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, हो सके रात तक कोई डिसीजन ले सकता है, आयोग या सरकार रात तक कोई डिसीजन ले सकता है परीक्षा के स्वर में। देखिए, वेट कीजिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद परीक्षा टल सकती है, 100% नहीं कहेंगे, लेकिन सिनेरियो जो बनता है, एक सिनेरियो बनता है, भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, बीएड वाले 1-5 में नहीं बढ़ेंगे, तो हो सके 1-5 वाले को परीक्षा टल सकती है। 6th, 11th, 10th वाले, 12th वाले जो परीक्षा हो सकती है, तो उस पर कोई ग्रहण नहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 1,70,000 में जो किसकी बहाली है, उसमें जो मैक्सिमम 1-5 के शिक्षक की बहाली का जो परीक्षा जारी देते हैं, टल सकता है, ऐसा मुझे लगने लगा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।